मुन्ना 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 ये डब्बा लेकर ऑफिस जाना। और सुन मुन्ना, तू अपने दद्दा जी और बाबूजी के साथ ऑफिस से ही सीधा शाम को मेहता जी के घर आ जाना। हाँ, घर लौटकर आओगे तो बहुत देर हो जाएगी। क्या कहा, कहा जाना? मेहता जी के घर, महापूजा है आज शाम को। हाँ? मैं नहीं आ सकता। क्यों? हम सब जा रहे हैं बेटा। वो मेरे कुछ दूसरे काम भी तो हो सकते हैं ना माँ। पूजा से जरूरत है, और क्या काम हो सकता है मुन्ना जी? वो दादा, आपको तो मोहित के काम के लिए जाना था ना। बेचारा मोहित। माँ, आपको पता है दादा कितने परेशान हैं। उनकी जॉब जो चली गई, आपको आज ऑफिस के बाद उनसे मिलने जाना था ना, है ना दादा? हाँ, वही तो। नहीं जाऊंगा तो मेरा दोस्त क्या सोचेगा? अब जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं ही उसके साथ नहीं हूँ। बेचारा बहुत डिप्रेस्ड है बाद में। अब देवी पूजा के आगे क्या दोस्ती कुछ भी नहीं? ये भी तो एक पूजा ही है ना। और ये त्योहार के दिन मेरा दोस्त कितना अकेला फील कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तू मोहित के साथ ही रह, पूजा में नहीं आएगा। अरे पर तू अकेले कैसे रहेगा मुन्ना, हम सब तो देर से आ रहे हैं। माँ, भाभी है ना? नहीं बेटा, अक्षरा तो हमारे साथ चलेगी ना। जरा सोचो तो, मुन्ना के खाने का क्या होगा? ये ठीक कह रही है, छोटी दुल्हन बहू को यही रहने दे, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ, और अब दादा को तो जानते ही है, जब तक कोई परोस के ना दे वो खाएंगे नहीं, जाकर मजे से सो जाएंगे। बेटा तुम यहीं रुक जाओ। अब सप्ताह हो गया है ना, तो मुन्ना जल्दी से ऑफिस जाओ, वो राह देख रहे होंगे। मुझे भी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। मैं परोसती हूँ, आओ बेटा। अरे वाह दादा, क्या डायलॉग मारा, दोस्ती भी पूजा है। चुप। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ रहा हूं, तैयार रहिएगा, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बेचारी छोटी कह रही थी कि देवर जी ने तो जैसे उससे बात करना ही छोड़ दिया। बस दूसरों के सामने काम की बातचीत कर रहे थे। उसे एक फैसले ने जैसे उनकी जिंदगी ही बदल दी। इस भ्रम में रखा कि दोनों आपस में कितने खुश हैं। सालों से उनके मन में जो दुख दबा हुआ था, वर्षा के मां बनने की इच्छा से जैसे उबल पड़ा। बड़ी बहू, जो भूल मुझसे हो गई वो तुम ऐसे मत करना। वर्षा को मां बनने के लिए विवश मत करना।
हाँ लेकिन अपनी इच्छा है। बड़ी बहू तुम सोच कर देखो कि मेरा मतलब है कि तुम उससे पूछो कि वो ऐसा निर्णय क्यों ले रही है, या इसमें उसकी खुद की खुशी है या वो तुम्हें खुश करने के कारण कर रही है। काश उस समय मैंने दूर की सोची होती, काश किसी तरह मुझे समझ में आ जाता कि मेरे इतने आग्रह करने पर मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी और वो मैंने सुनैना को भी। माँ आप कहाँ जानती थी, हमें याद है ना, भौजी की बीमारी की वजह से कितनी परेशान थी आप। क्या कुछ नहीं किया भौजी को ठीक करने के लिए। लेकिन किस्मत का लिखा कोई बदल सका है? हाँ बड़ी बहू, किस्मत का लिखा मानकर हर बार मन को समझाया भी तो नहीं जा सकता। माँ आप खुद को दोष क्यों दे रही हैं? आपकी गलती नहीं है। जो बीत गया उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात छोटी को भी समझनी होगी और देवर जी को भी। कुछ कारणों की वजह से उनके बीच में जो दरार आ गई है वो मैं और आप चाहकर भी नहीं भर सकते हैं ना, क्योंकि उन्हें ही पता है, वो ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो महाराज जी आप जो है ना सिर्फ मुन्ना और बहू के लिए भोजन तैयार करिएगा, हम सब महापूजा से देर से आएंगे। और दादाजी को? वो सब सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। गुलाबो सारे बर्तन मांझ के रखो। जी भाभी माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब कर देंगे। तुम भी साथ चलती तो कितना अच्छा होता, सबको अपनी बहू से मिलवाती। लेकिन मुन्ना की आदत तो सब जानते ही है ना, घर लौटने पर उसे सामने कोई ना कोई चाहिए। ये कहिए कि एक भी काम अपने हाथों से करने की आदत नहीं है उसे। बस बस चलो अब देर हो रही है, जानते हो ना दद्दाजी को कहीं देर से पहुंचना अच्छा नहीं लगता। चलो चलो छोटी दुल्हन चलो। भाभी आज आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, अच्छे से समय बिताएगा। क्या हो गया मेरे बच्चे को, दिखा दिखा। अभी हाँ इस माँ को क्या हुआ है, वो बात क्यों नहीं कर रही है? अंशु मैं दवाई लगा देती हूँ, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना।
तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कह देना। चलो जा बेटा। इतनी ज्यादा चोट लगी और तूने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं, क्या हुआ, क्यों कर रही है ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले तेरे जेठ जी का फिर से फोन आया था, बता रहे थे कि देवर जी भी चुप चुप है, मीटिंग में जाना था वहां भी नहीं गए, पता नहीं कहीं चले गए और अभी तक नहीं लौटे हैं। दीदी, क्या हर पति अपने पत्नी को रोज दफ्तर से फोन करता है? जेठ जी भी आपको रोज फोन करते हैं ना? हाँ, कोई ना कोई बात तो निकल ही आती है। क्यों? इन्होंने मुझे कभी भी दफ्तर से फोन नहीं किया, ना कभी कुछ पूछा ना बताया। हेलो, लाइन क्लियर हो गई क्या? एकदम क्लियर। आपकी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है। क्या? ओह, मेरा मतलब फोन लाइन से नहीं था, मैं पूछ रहा था कि सब लोग घर से गए ना? ओह, अब महाराज जी तो नहीं है ना? हाँ वो है, गुलाबो भी है। ओह, अब आप उन्हें कहीं बाहर भेज दीजिए। मैं, मुझसे नहीं होगा नैतिक। मैम, करना तो पड़ेगा, इतने ट्रैफिक वाले दौर में इतना क्लियर सिग्नल मिलता ही कहाँ है। आज मौका भी है और दस्तूर भी, और वैसे भी आज आप पास हुई हैं, तो क्या मेरा दिल नहीं करेगा कि हम दोनों ये स्पेशल ओकेजन किसी स्पेशल तरीके से मनाएं? पर मैं कैसे? देखिए अक्षरा, अगर आप नहीं करेंगी तो वो दोनों भाभी माँ को हमारी मिनट बाय मिनट खबर पहुंचा देंगे। तो आप ही कहिए ना उनसे, मुझसे तो कहते नहीं बनेगा कि आप लोग बाहर जाइए। आप भी बताइए कैसे कहूंगी, और वो लोग भाभी माँ से शिकायत नहीं करेंगे मेरी कि बहू ने जाने के लिए कह दिया? अब ये तो आपके कहने पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे कहें, सांप भी मर जाए और दाढ़ी भी ना टूटे। अक्षरा, आप मेरी बीवी हैं। And I'm sure, आप मेरी तरह सब कुछ संभाल लेंगी, right? सौ बार कहिए कि रसोई के बर्तन पोंछ के रखे करो, हमेशा पानी छोड़ देता हूँ। हम सब अच्छे से साफ करते हैं, आप ही को ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या वो बोरन, कुछ काम है, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, वो आज कोई काम नहीं है। फिर आप लोग चाहे तो छुट्टी ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि आज शाम के लिए आप यहाँ का काम रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। पर क्यों? हम लोग ही कितने हैं, मैं और वो हैं बस, तो मैं बना लूंगी ना दोनों लोगों का खाना, आप लोग आराम कर ले। ना ना, हम आराम आराम कछु ना करते, हमें आदत ना है, और वैसे घर में बहुत सारे काम है,
भाभी कुछ खास बात है क्या जो आज छुट्टी मिल रही है? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा। खास क्या, आज घर में कोई नहीं है तो मुझे लगा आप लोग भी थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ही काम है तो मैं भी कर सकती हूँ, इतना तो संभाल ही सकती हूँ ना। आप लोगों के अपने काम हो तो आप कर लो ऐसे ही। हाँ, वैसे तो मैं मंदिर जाना रहा, तो जब बहुरानी खाना बना लेंगी तो मैं दर्शन कराऊंगा। हाँ। वैसे अपने पति को भोजन करावे को हर स्त्री को धर्म हो। ठीक है बिटिया, आज घर को काम तुम खुद ही देख लो। जी महाराज। अरे पैसा काहे को, आप बाहर जा रहे हैं तो जरूरत तो पड़ेगी ना, लीजिए ना। वैसे जरूरत तो ना है, पर ठीक है मैं प्रसाद लेता हूँ। मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं तो आज घर में आराम करूंगी। एक छुट्टी मिली है, आज पैर सीधे कर ले जरा आपने बस। बड़ी सुधर गई हो, वैसे पहले तो छुट्टी लेके सिनेमा जाती। जाओ तो आज जा सकती हो। नहीं, कोई भी अच्छी पिक्चर नहीं लगी, सारी मारधाड़ वाली पिक्चर लगी है, हमें पसंद नहीं है। नहीं नहीं, वो है ना, वो फिल्म मारधाड़ वाली भी नहीं है, वो जॉन अब्राहम की। जॉन की? हाँ? मुझे जॉन बहुत पसंद है सच्ची में, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। लाइए पैसे, आज हम फाल्कन में पिक्चर देखेंगे। लाइए जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ अपना। ये हमें पीछे पढ़कर काहे भेज रही है? तुम्हें आम खावे से मतलब कि गुठली गिनवे से? अरे वो सही कह रही है, हर बहू अपने पति के लिए अपने हाथ से काम करवा चाहते है। तुम क्या जानो? देख छोटी, सब पुरानी बातें मन से निकाल दे। तुम्हारे अतीत की कड़वाहट और देवर जी के भविष्य को बर्बाद ना कर दे। अब देखना वो कड़वाहट आज भी तुम दोनों को करीब नहीं आने दे रही है। एक बात और, पहल तुझे ही करनी पड़ेगी छोटी। देवर जी के स्वभाव को जानती है ना तू? मन ही मन टूटते जा रहे हैं, कभी कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कहीं उनके स्वभाव की वजह से तू उन्हें खोना दे छोटी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।